गाजियाबाद में सड़क पर कार खड़ी करने को लेकर मारपीट, दो पक्षों में पत्थरबाजी के साथ फायरिंग भी। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव मुकीमपुर में देर रात में सड़क से कार हटाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले व पत्थरबाजी हुई। इतना ही नहीं, कई राउंड फायरिंग भी की गई। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने इस संबंध में तहरीर नहीं दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 26 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। गांव मुकीमपुर निवासी आसू व अमजद का मकान आसपास है। गुरुवार को आसू परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। देर रात वह वापस आया और घर के बाहर सड़क पर कार खड़ी करने लगा। पड़ोसी अमजद ने उसे कार कहीं और खड़ी करने के लिए कहा। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले व पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि काफी देर तक पत्थरबाजी होती रही। एक पक्ष ने दो राउंड फायरिंग भी की, लेकिन गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा कर रहे लोगों को लाठी फटकार कर खदेड़ दिया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।